साहब कई दिनों से भूखे हैं, खाना नहीं खाया, ये बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। भूख प्यास और बीमारी के चलते सिकुड़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों के जिस्म। खाली बर्तनों को बजाकर उत्तर प्रदेश की माएं अपने बच्चों को भूख पर पा रही हैं काबू। हफ्तों से गरीब ग्रामीणों के घरों के बंद पड़े हैं चूल्हे। भूख व प्यास की लोरियां सुनाकर उत्तर प्रदेश की माएं अपने बच्चों को दे रही हैं नींद की थपकी। घर होते हुए भी बेघर, अन्न पैदा करने वाले खुद दाने दाने को तरसते, कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी सरकार की अनदेखी के शिकार। साहब ये कैसी निःशुल्क राशन वितरण प्रणाली और ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये कैसी सरकार और ये कैसी सुरक्षा और ये कैसे जनप्रतिनिधि। आज तुम पहली बार आए हो और कोई नहीं आओ भाई, यहाँ देखन तक की नहीं कोई आओ। अब वोट ली एक बेरा प्रधान के हमारी गाँव है, वो सरकार वाले के हमारी गाँव है, कि वो परे कि ना ही परे। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश में बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। भारी तादाद में जंगलों की कटाई से बिगड़ा मौसम चक्र आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। गर्मी में सूर्य की भीषण तपिश में गर्मी से तिलमिलाते थे लोगों को, जब वर्षा का इंतजार था और रिमझिम बरसात होते ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, परंतु बिगड़ते मौसम चक्र अब लोगों पर हावी हो गया है। एक ओर मूसलाधार बारिश तो दूसरी ओर बांध से छोड़ा गया पानी लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है, जिसके परिणाम बहुत ही भयानक हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छत्तर खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज के कुछ इलाकों में इस समय लोग गंगा की बाढ़ पर दिन ब दिन रौद्र रूप झेल रहे हैं। लगातार बांधों से छोड़े जाने वाले पानी से उफना रही गंगा लोगों को डराने लगी है। स्थिति यह है कि तटवर्ती गांवों में पानी बुरी तरह घुस गया है। गांव आने जाने वाले मार्ग पर इतना पानी है कि यमराज अपना वज्र चक्र लेकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों के लिए एकमात्र सहारा नाव है और लोग पानी में घुसकर और नाव का सहारा लेकर अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो जनपद से ही पलायन कर दिया है और पड़ोसी जनपद में जाकर शरण लेने गए हैं और दुख दर्द से कराहते हुए आप बीती बता रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही बाढ़ से? दिक्कत है ये साहब। क्या दिक्कत आ रही है? राशन पाने की तो दिक्कत है ये, कोई डुंगिया ना कुछ ना कुछ, सब अपन को खाना है ना वो लगाए दो के यहाँ खाना बट रो खाना उन जाए ना रो है ना सड़के पर सब खाए जाते वो वन बूढ़ा वाले खाए मिलते नहीं और ये पार वाले को खा दस खा ठीक है। लटे वाले को तो मिनती में घरिया लोग नहीं खाई। कौन सा गांव है कितने पानी? कासिम कटरी गंगपुर कासिमपुर गांव। कितने घर होंगे गांव में? करीब ऐसे होंगे दोनों उर्वर में यहाँ करीब 300 बकरी होगी सर। सब में पानी? हाँ हाँ पानी पूरे में सब तक कम से कम 200 तो भर ही गया होगा कम से कम। प्रधान का करे? प्रधान के लिए कुछ सुनता हो अधिकारी? अधिकारी सुनी नहीं जाए कुछ। कल खुद ही प्रधान कह रहा 60 कितने ने कह रहे 60 में का लड़ाई करवा लेगा। 300 बकरी है 300 में 60 में का लड़ाई करवा दी। क्या 60? 60 किटे देने कह रहे थे प्रधान बता रहे। किटों में क्या क्या? वही चावल आटा दाल वही दिन प्राप्त नहीं है अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। कम से कम 300 बकरियां करीब। कन्नौज के ग्राम कासिमपुर और बख्शीपुरबा में इस समय बाढ़ का पानी अपना कहर ढा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त है। हाल ये है कि लोग भूख प्यास के चलते मरने की कगार पर हैं और बाढ़ के भरे पानी से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से जूझते हुए जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। अनिता क्या समस्या यहाँ पर है बाढ़ को लेकर? यहाँ भैया समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, ना कोई खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं। और वोट मान लो दीने गए तो इतनी तो व्यवस्था करे कि मान लो खाना मान लो पेट का है तो जाए अंदर, ना निकलने कोई गुंजाइश। कोई मंत्री जी ये ना आवत ये ना भोजन आते हैं कि मान लो कोई अगर कोई काम कोई भूखे पड़े या प्यासे पड़े। पूरे गांव में पानी? पानी पूरे गांव में या पूरी एरिया में पानी है। लगभग कितने कितने लोग रहते होंगे? अरे यहाँ कुछ ना मान लो तो 40-45 आदमी तो होते हैं, इससे काम ज्यादा ही हो कम नहीं है। आस पास और भी गाँव लगते हैं? हाँ आस पास और गाँव लगते हैं। सब पानी में है? हाँ सब पानी में ही है।
तो कैसे गुजर बसर कर रहे हो? अब ऐसे गुजर बसर हो ही रही है। जब कोई मान लो कोई टोला परोसम ले ली ने आलू तो भूंज खाई ली ने, भाई बाजार जा तो करन जाए पीबो ना, 15-20 दिन ते पानी भरो है, कैसे गुजर बसर हुई है। और रूखी बना ली नहीं थोड़ी बहुत तवा खाई ली, कहू कहो चलो पहले पानी मारे रोटी चलती रहे महिमा है। बताओ सरकारी तरफ से कोई कोई प्रशासन कोई अभी तक यहाँ पर आया? नहीं कोई नहीं आओ है, आज तुम पहली बार आए हो और कोई नहीं आओ भाई, यहाँ देखन तक की नहीं कोई आओ। अच्छा, और वोट लीवे बेरा प्रधान कहे हमारी गाय, वो सरकार वाले कहे हमारी गाय कि वो परे कि ना ही परे, तब यो कही है सब। इस समय आना चाहिए लेकिन अब भाई जैसा मान लो तुमका देना जाए तो इस समय तो आना चाहिए। आपको बताते चले कि अचानक बांध से छोड़े गए पानी ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया है और गंगा नदी की तलहटी में बसी कटरी क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से लबालब भर गए हैं और यहां के निवासी पूरी तरह मौत के साये में सिमट कर रह गए हैं। एक ओर पानी की मार और दूसरी ओर भूख व प्यास की मार। ग्रामीण जहां अपने व अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं तो वहीं जानवरों की भूख मिटाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमा। प्रेमा जी कैसे पानी भरा, क्या समस्या हो रही है यहाँ? पानी सब भीतर भरो भाई। अच्छा, कहां तक भरो है पानी? हम्मा पूरे गांव भरो। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था हो रही है? खाना का परिंटन पनिया बनाओ तो। अच्छा, कहां बना रहे हैं? कहां गांव में पानी भरा? गरमा बनाओ तो पर छतों पर। ये कब से दिक्कत है? या दिक्कत यही है, 10-12 दिन हो गए। कोई अधिकारी वगैरह सुनवाई नहीं आउत? खाने पीने की व्यवस्था की प्रधान ने कुछ नहीं कही। बीमारियां भी फैल नहीं होंगी? बीमारियां तो आउते ही बुखार। कैसे आप लोग वहां से रोड पर पहुंचते सो गए? क्या करें साहब, पानी से निकलते हो क्या रोज आए दिन? हाँ रोज निकल के आओ तो डूंगिया आए ना अपने पार। कौन सा गाँव है आपका? कासिनपुर। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में इंसानी नहीं जानवर भी अब टकटकी लगाकर प्रशासन की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को राहत कार्य में लगाया है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में लगी हैं। इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे निपटने की क्या व्यवस्थाएं थी? हम लोग लगातार जो है वाच कर रहे हैं और जो हमारे संभावित ग्राम है कासिमपुर कटरी विशेषकर, तो वहाँ पे हमारे अधिकारीगण कैंप कर रहे हैं, वहाँ पे बाढ़ सर्वालय बना दिया गया है और कल से हमने कम्युनिटी किचन भी प्रारंभ कर दिया गया है। 50 इसमें आवास हैं जो महरूम हो गए हैं चारों तरफ से, और अभी भी जो है गंगा जी खतरे के निशान से करीब 10-12 सेंटीमीटर नीचे हैं, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है। लगातार हम अपने जो है सभी ग्रामवासियों को या जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो गांव है वहाँ पे हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें तथा हमारे जो बाढ़ शरणालय है वहाँ पे तत्काल किसी भी विशेष स्थिति में वहाँ पे अपना शिफ्ट हो जाए। तो एक तरह से हम लोग अपना सजग हैं और वाच कर रहे हैं, जैसे कहीं कोई आवश्यकता होगी राहत बचाव का और भी हम लोग काम करेंगे।